दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो आई केयर यानी कि आँखों के लिए है। जिनकी आँखों की रोशनी कम हो चुकी है, जहाँ कोई और दिक्कत है आँखों में, जहाँ हम अपनी आँखों की संभाल कैसे करें, तो आज की वीडियो हमारी उसके लिए रहेगी। इसमें हम तीन चीज़ें डिस्कस करने वाले। वो तीन चीज़ें हैं कि अगर रोशनी कम हो चुकी है आँखों की या कोई और दिक्कत है, तो उसे मेडिकली कैसे ठीक करते हैं, दूसरा है घर पे कैसे ठीक करते हैं घरेलू उपाय, और तीसरा है 20-20-20 रूल। जी हाँ दोस्तों, ये है 20-20-20 रूल, जो हम अपने काम करते समय, पढ़ाई करते समय ये हम फॉलो करेंगे तो हमारी आँखों में कभी दिक्कत नहीं आएगी कोई भी। तो ये 20-20-20 रूल मैं लास्ट में बताने वाला हूँ वीडियो के। तो पहले हम देखते हैं कि मेडिकल साइंस में जो लेजर ऑपरेशन वगैरह होता है वो कैसे होता है। लेजिक, जिसका मतलब है लेजर इन सीटू केराटोमाइलोसिस, ये एक बहुत पॉपुलर लेजर आई सर्जरी है, जिसके जरिए से आंखों की कुछ कंडीशंस को ट्रीट किया जाता है, जैसा कि नियर साइटेडनेस, फार साइटेडनेस और एस्टिगमेटिज्म वगैरह। कंडीशंस को लेजिक के जरिए अच्छे तरीके से ट्रीट किया जा सकता है। लेजिक सर्जरी तकरीबन 30 मिनट में कंप्लीट हो जाती है। सर्जरी के दौरान सबसे पहले आंखों में कतरे डालकर आंखों को सुन कर दिया जाता है, ताकि सर्जरी करते वक्त तकलीफ ना हो। इसके बाद आंख पर सक्शन रिंग रखी जाती है, ताकि आंख का कॉर्निया जरा बाहर को निकले। इस दौरान आंखों में प्रेशर सा फील हो सकता है। इसके बाद सर्जन कॉर्निया के ऊपर वाले हिस्से में कट लगाकर फ्लैप सा क्रिएट कर लेता है। जिस सर्जिकल टूल से कॉर्निया को कट किया जाता है उसे माइक्रोकेराटोम कहा जाता है। फिर इसके बाद डॉक्टर एक्सपोज्ड कॉर्निया को लेजर के जरिए से शेप देना शुरू कर देता है। लेजर में अल्ट्रावायलेट रेस को इस्तेमाल किया जाता है। ये रेस कॉर्निया के छोटे छोटे टिश्यूज को डिस्ट्रॉय करके इवेपोरेट करती जाती हैं। इस दौरान क्योंकि कॉर्नियल टिश्यू बर्न हो रहे होते हैं, इसलिए जरा बर्निंग स्मेल आ सकती है। जब सर्जरी कंप्लीट हो जाती है तो सर्जन कॉर्नियल फ्लैप को दोबारा से आंख के ऊपर रख देता है, क्योंकि कॉर्निया बहुत जल्दी हील होने की सलाहियत रखता है, इसलिए स्टिचेस या बैंडेजेस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेजर आई सर्जरी यानी लेजिक से तकरीबन 96% मरीज ठीक से देखने लगते हैं। हमने देखा, अगर आपकी आंखों में कोई दिक्कत आ चुकी है तो लेजर ऑपरेशन से आंखें ठीक हो जाती हैं। इसमें थोड़ा खर्चा है और मेडिकली जो भी उनकी प्रिकॉशन है वो हमें रखनी पड़ती हैं। बट अब हम बात करते हैं कि हम घर पे कैसे हम अपनी आंखों को सही रख सकते हैं अपने घरेलू उपाय से। तो आइए जानते हैं कि क्या क्या है। ये दोस्तों, सुबह सुबह मुँह की लार आँखों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। आप जब सुबह उठते हैं तो उठते ही अपने बेड यानी बिस्तर पर बैठकर किसी रुमाल या साफ कपड़े से आंखों को पोंछ लें। पानी से मुंह ना धोएं, ना पानी आंखों पे लगाएं। सुबह उठते ही अपने मुंह की लार को अपनी उंगली पर लेकर जैसे काजल या अंजन लगाते हैं, वैसे ही अपनी आंखों में मुंह से लार लेकर लगाना है। दोनों आंखों में लार लगाकर ऐसे ही रहने देना है। कम से कम 30 मिनट तक या कुछ ज़्यादा समय तक जब आप स्नान करें तो आंखों को धो सकते हैं। अपने मुंह की प्रथम लार आंखों पर लगाने से आंखों की रोशनी बढ़ती है, आंखें लाल नहीं होती हैं, आंखों की जलन, पानी आना। दोस्तों, आप सुबह सुबह उठते हैं तब अपने मुंह में ठंडा पानी भरकर फिर आंखों को खुला रखकर ठंडे पानी से छींटे मारें 15-20 बार। ऐसा रोज़ सुबह करें, इससे आंखों की समस्या दूर होगी। हरी घास पर नंगे पैर चलें। आप रोज सुबह जब टहलने जाते हैं, वॉकिंग पे जाते हैं या व्यायाम करते हैं तो वहां देखें कि कहीं हरी घास है, और यदि आपको हरी घास दिखती है तो आप 20 से 30 मिनट तक हरी घास पर नंगे पैर चलें। हरी घास पर चलने से आंखों की रोशनी तेज होती है और आंखों की समस्या दूर होती है। यानी पहली उंगली और सेकेंड फिंगर यानी दूसरी उंगली, कहने का मतलब है आपके हाथ की पहली उंगली और दूसरी उंगली दोनों उंगलियों के बीच में एक आँखों के लिए पॉइंट या बिंदु होता है, उसे आपको अपने दूसरे हाथ से दबाना है यानी प्रेस करना है 5 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। आप दिखाई गई इमेज में ये देख सकते हैं। 5 मिनट दोनों उंगलियों में इस पॉइंट को जब दबाएंगे, प्रेस करेंगे तो आंखों की समस्या दूर होगी। आपको क्या करना है, 50 ग्राम सौंफ, 5 ग्राम काली मिर्च और 10 ग्राम मिश्री लेकर इन तीनों सामग्री को पाउडर बना लें और एक साथ कांच की शीशी में भर लें।
रोज सुबह एक चम्मच पानी से या दूध के साथ इसका सेवन करें और रात को खाना खाने के 15-20 मिनट के बाद इस मिश्रण का पानी के साथ या दूध के साथ सेवन करें। दोस्तों, हमने दोनों तरीके जान लिए हैं। अगर हमने मेडिकली अपनी आंखों को ठीक करना है तो हमने लेजर ऑपरेशन, और अगर हमने घर पे आंखों को ठीक करना है तो घरेलू उपाय भी बता दिए गए हैं कि सुबह उठते ही आंखों के क्या लगाना है, कौन कौन से हाथ के पॉइंट दबाने हैं हमने, क्या क्या हमने खाना है। तो उसके बाद हम चलिए अब बात करते हैं 20-20-20 रूल की, कि अगर आप मेडिकली ट्रीटमेंट भी नहीं ले रहे हो और ये भी फॉलो नहीं कर पा रहे हो घरेलू नुस्खे, तो आप काम पे जहाँ पढ़ाई करते टाइम ये जरूर नुस्खा अपनाइए 20-20-20 रूल, जिसमें पहला 20 का मतलब है मिनट्स, हर 20 मिनट के बाद, और दूसरा 20 है सेकंड, हर 20 मिनट के बाद 20 सेकंड के लिए, और तीसरा 20 है 20 फीट, मतलब पहला 20, दूसरा 20, तीसरा 20, 20 मिनट के बाद काम कोई करते करते स्टडी करते टाइम हर 20 मिनट के बाद 20 सेकंड के लिए 20 फीट दूर आपने देखना है। अगर आप कंप्यूटर स्क्रीन पे काम कर रहे हैं तो 20 मिनट के बाद आंखें हटा लीजिए उससे, 20 सेकंड तक थोड़ा दूर देखिए जो आपसे 20 फीट की दूरी पे हो। हर 20 मिनट के बाद आप लगातार अगर काम कर रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं तो 20 मिनट के बाद हमारी आंखों को आराम चाहिए होता है, और हमारी फोकसिंग पावर, जो आंखों की फोकस पावर है, तो अब ऐसा करने से वो बढ़ जाएगी। तो आपने हर 20 मिनट के बाद 20 सेकंड के लिए 20 फीट जरूर दूर जरूर देखना है। तो ठीक है, आप ये फॉलो करिए, तो उम्मीद करते हैं कि जल्दी सभी की आंखों ठीक हो जाएं, और जिनकी आंखों में कोई दिक्कत नहीं है वो सदा। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आप कुछ नया जान पाए हो जो आपके काम की है। अगर ऐसा है तो वीडियो को आप लाइक जरूर करना,